तो गाइस मैंने लिया आईफोन 15 प्रो, गैलेक्सी S23 अल्ट्रा एंड पिक्सल 8 प्रो और उन तीनों से मैंने फोटोज एंड वीडियोस ली ये देखने के लिए कि 2023 का बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा कौन सा है। तो मैं इनको 8 कैटेगरीज में इवेल्युएट करूंगा और हम देखेंगे कौन सा फोन कौन से कैटेगरी में जीतता है एंड फाइनली विनर कौन आता है। शुरू करते हैं प्राइमरी कैमरा से। देखो यार, तीनों फोन के कैमरास ना बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे कुछ सही या गलत नहीं है, बात प्रेफरेंस की है। अब जैसे अगर आप सैमसंग के फोटोज देखो ना, तो वो अभी भी सबसे ज्यादा पंची फोटोज देता है, मतलब कलर्स को एम्पलीफाई करने की आदत है। अब जैसे ग्रीन्स देखो, सैमसंग के फोटो में ऐसा लगता है कि पॉलिश और पेंट कर दिया है ग्रीन, यही आईफोन और पिक्सल में थोड़ा नेचुरल है। और इनफैक्ट स्काई को भी थोड़ा ज्यादा ब्लू करने की उसकी आदत है। अब ये जो कलर पॉपिंग वाली टेक्निक है ये कहीं कहीं तो काम कर जाती है, पर जनरली अगर आप देखें तो सैमसंग अपने फोटोज में थोड़ा ग्रीन ऐड करता है और आईफोन जो अपने फोटोज में थोड़ा मजेंटा ऐड करता है। वैसे देखा जाए ना तो ये जो प्राइमरी लेंस से फोटोज ली गई है इनमें ना बहुत ज्यादा फर्क है नहीं तीनों कैमरा के बीच, बस इनकी ना कलर साइंस थोड़ी थोड़ी अलग है। और पिक्सल जो है डेफिनेटली सबसे ज्यादा कलर न्यूट्रल है, तो अगर आपको वो पसंद है तो पिक्सल इज द वे टू गो। तो देखो यार, घूम फिर के बात ये आ जाती है कि आप क्या प्रिफर करते हो और आपको क्या पसंद है। लेकिन अगर आप मेरे को थोड़ी सी और उंगली करने देंगे ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप ये वाली फोटो देखें तो एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको S23 अल्ट्रा के जो मेन्यू है ना, वहां पे आपको ग्लेयर या रिफ्लेक्शन आ रही होगी और आईफोन और पिक्सल पे वो आपको नहीं दिख रही होगी। चलिए अगर आप विंडो के थ्रू भी देखें तो आईफोन और पिक्सल के विंडो के थ्रू आपको पीछे की वॉल दिख रही होगी, लेकिन यही S23 अल्ट्रा के विंडो में ना आप देखेंगे जो एक्सपोजर है वो सही नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ये वॉल देखेंगे तो आईफोन और पिक्सल में ना डिटेल और कलर बहुत सही कैप्चर हुआ है, बट यही S23 अल्ट्रा में कलर भी कैप्चर ठीक नहीं हुआ और डिटेल भी कम है। तो देखो यार, प्राइमरी लेंस के फोटोज को लेकर ना ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो बड़ा डिफरेंस बना सकती हैं। लेकिन ना आईफोन 15 प्रो को लेके एक प्रॉब्लम है। आईफोन के साथ ना आप बहुत पास जाके अगर फोटो लेंगे ना तो वो ब्लर हो जाती है, आपको थोड़ा पीछे होना पड़ता है ताकि वो फोकस कर पाए। और हाँ, आप मैक्रो में जाके फिर ऑब्वियसली फोकस हो जाएगा, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं रहेगी। और यही होता है, आप देखो मैंने पास से अगर आईफोन से फोटो ली ना तो ब्लर हो गया, लेकिन यही S23 अल्ट्रा और पिक्सल में सेम डिस्टेंस से बड़े प्यार से फोकस होता है, बहुत शार्प आती है फोटो। तो ओवरऑल गाइज, अगर हम डे लाइट और आउटडोर फोटोग्राफी की बात करें तो डेफिनेटली पिक्सल ही जीतता है। लेकिन गाइज, इन सब चीजों के अलावा हमें लोगों की फोटोज लेने में भी बहुत मजा आता है, तो कौन सा फोन है जो वो सबसे अच्छा करता है उसकी बात करते हैं। और ये ना थोड़ा ट्रिकी है, जब आप लोगों की फोटो लेते हैं तो ऑब्वियसली फेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पे अल्ट्रा के जो वार्म स्किन टोन से बड़े अपीलिंग लगते हैं, और पिक्सल उसके मुकाबले में थोड़ा डल भी लगता है लेकिन कलर एक्यूरेट बहुत है। इस फोटो में भी पिक्सल कलर एक्यूरेट है, डल भी है। S23 अल्ट्रा कुछ ज्यादा ही कलर पॉप्ड है, लेकिन आईफोन ने सबसे सही बैलेंस स्ट्राइक किया है। और इस फोटो से सब क्लियर हो जाता है, जो सनलाइट ब्लास्ट हो रही है मेरे फेस पे, अल्ट्रा उसको ओवर एक्सपोज कर देता है, लेकिन आईफोन और पिक्सल बड़े प्यार से उसको हैंडल करता है। तो गाइज, जहां तक ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात होना, तो उस केस में तो आईफोन ही बेटर फोटोज देता है। अब गाइज, एक एरिया है जहां पे कलर्स बहुत मैटर करते हैं, वो है इंडोर्स। क्योंकि इंडोर जब आप होते हैं ना तो लाइट अनइवन भी हो सकती है, काफी हद तक आर्टिफिशियल होती है और कहीं कहीं पे तो बहुत कम भी होती है, तो जो स्मार्टफोन कैमरास है काफी स्ट्रगल करते हैं टू गेट इट राइट। अब इन तीनों में से कौन सबसे अच्छा करता है वो देखते हैं। और ऐसे ना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, और जो थोड़े बहुत है भी वो ऐसे हैं जिसके बारे में आप और मैं ज्यादा सोचेंगे नहीं। सैमसंग ना जनरली थोड़े ब्राइटर फोटोज देता है क्योंकि वो ना थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा के रखता है। पिक्सल और आईफोन थोड़ा न्यूट्रल और म्यूटेड रहते हैं, लेकिन हाँ आईफोन अपने सारे फोटोज में थोड़ा मजेंटा टोन ऐड करता है और पिक्सल तो डेफिनेटली अभी भी कलर एक्यूरेट है, स्पेशली इस फोटो में। गूगल ने वुड का नेचुरल कलर इतने अच्छे से रिटेन किया, यही आईफोन और अल्ट्रा ने धज्जियां उड़ा दी कलर की। तो इंडोर्स में भी मैं यही कहूंगा कि पिक्सल 8 प्रो इज प्रोबेबली द बेस्ट, सैमसंग काफी सेकंड आता है, लेकिन आईफोन तो कलर्स की हालत खराब कर देता है। अब बात करते हैं मेरे पर्सनली फेवरेट मोड की, जिसे कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। और इसमें जहां तक मैंने देखा है ना, पिक्सल सबसे बढ़िया काम करता है, कलर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, फोकस का जो फॉल ऑफ है वो भी बहुत नेचुरल है, और जो फोकस पे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड ब्लर करना होता है वो भी बहुत सही है। और यहाँ पे अगर आप देखें, पिक्सल ने इतने नेचुरल ग्रीन्स कैप्चर किए हैं, यही अल्ट्रा और आईफोन ने कलर ही चेंज कर दिया लीफ का। लेकिन हाँ, जो पोर्ट्रेट इफेक्ट है ना वो तीनों में बराबर है। आप अगर इस फोटो में भी देखें तो अल्ट्रा और आईफोन ने जो रेड कलर दिया है काफी पॉलिश्ड एंड सैचुरेटेड है, लेकिन यही पिक्सल ने बहुत नेचुरली कैप्चर किया है। जहां तक मैंने देखा है, आईफोन कलर्स को थोड़ा अलग कर देता है पोर्ट्रेट में, स्पेशली ऑरेंजेस एंड येलोज को,
ओवर सैचुरेट भी करता है और हाई कॉन्ट्रास्ट भी देता है। अच्छा, एक चीज होती है पोर्ट्रेट मोड में जिसको बोलते हैं फोकस फॉल ऑफ, मतलब कितने नेचुरली आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको एक स्मार्टफोन कैमरा ब्लर कर पाता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोसेसिंग, उसकी बात करते हैं। जैसे पिक्सल में जो मेन गमला है उसके पीछे वाला गमला थोड़ा थोड़ा फोकस में है, लेकिन अल्ट्रा और आईफोन में ना एकदम से बस ब्लर आउट हो गया है अननेचुरली। यहाँ पे भी अगर आप कूपर पे देखें, जो फर का फोकस है धीरे धीरे पिक्सल पे फेज आउट होकर ब्लर होता है अल्ट्रा और आईफोन में झट से, और इस फोटो से सब क्लियर हो जाता है। अल्ट्रा ने क्लियरली ओवर एक्सपोज कर रखा है, आईफोन ने भी थोड़ा सा ओवर एक्सपोज किया है और मजेंटा टोन भी ऐड किया है। यही पिक्सल की फोटो में ब्लर एकदम परफेक्ट है, कलर्स कैप्चर्ड आर परफेक्टली फाइन, और इवन जो शेडोज है ट्रीज पे कितने नेचुरल और प्यारे हैं। तो हाँ, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी पिक्सल 8 प्रो ही बेस्ट है और काफी सुपीरियर है कंपेयर टू S23 अल्ट्रा या आईफोन 15 प्रो। लेकिन अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसमें सारे स्मार्टफोन कैमरास काफी स्ट्रगल करते हैं, वो है लो लाइट फोटोग्राफी। एक बात याद रखना, एप्पल ने अपने कीनोट इवेंट में बताया भी था कि उन्होंने आईफोन 15 प्रो सीरीज में अब सेंसर का साइज बड़ा कर दिया है जिससे लो लाइट में होपफुली इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, तो चेक करते हैं। एंड अगर देखा जाए ना तो तीनों इक्वली अच्छे या इक्वली बुरे हैं, बट क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन्स हैं तो इनसे अच्छा लो लाइट वैसे भी कोई कर नहीं रहा है, और इन तीनों में मेरे को आईफोन सबसे ज्यादा कलर एक्यूरेट एंड डिटेल लगा। S23 अल्ट्रा ना अभी भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रीन कर रहा है, और आईफोन जो है सबसे ज्यादा कलर एक्यूरेट लगा लो लाइट में। एंड अगर आप ग्रास पे भी फोकस करें, जस्ट लुक एट दैट टेक्सचर, ग्रास पे इतनी डिटेल और क्लैरिटी है। लेकिन अल्ट्रा कभी कभी बहुत अच्छे फोटोज लेता है, जैसे कि यहाँ पे मुझे S23 अल्ट्रा का सबसे प्लीजिंग लगा, नेचुरल नहीं है लेकिन देखने में सबसे अच्छा वही है। और अब जैसे ये फोटो है इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे तो S23 अल्ट्रा के कलर्स ज्यादा पॉप हो रहे हैं, लेकिन यही आईफोन में जो प्लैंक्स है उसमें डिटेलिंग एंड टेक्सचर ज्यादा है। इनफैक्ट राइट साइड की अगर आप वॉल भी देखें वहां पे भी आईफोन में डिटेल ज्यादा है। और लो लाइट में अगर ह्यूमन फेसेस की बात करें तो भी आईफोन ने सबसे अच्छी फोटो ली है। तो गाइज, ऑल इन ऑल लो लाइट में आईफोन 15 प्रो डेफिनेटली बेस्ट है। अब गाइज, हम अल्ट्रा वाइड की और वीडियोस की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को सेल्फी कैमरा की बात करनी है और देखते हैं कि उसमें कौन जीतता है। और देखिए, अगर मेगापिक्सल्स देखें या अपर्चर देखें तो काफी सिमिलर है, लेकिन असली बात तो सैंपल्स देख के ही पता चलेगी। और जब मैंने सैंपल्स देखे तो मेरे को ना S23 अल्ट्रा सबसे अच्छा लगा। देखो, सबसे नेचुरल तो अभी भी पिक्सल ही है, लेकिन S23 अल्ट्रा हल्की सी वार्म टोन ऐड कर देता है स्किन पे जो अच्छी लगती है, तो थोड़ी लाइफ लाइक और यू नो मजा आता है देखने में। पिक्सल थोड़ा नेचुरल ज्यादा है तो डल लगती है, और आईफोन मजेंटा बहुत ऐड करता है, लेकिन लो लाइट में आईफोन ही बेस्ट है। S23 अल्ट्रा तो एकदम डरा देता है फोटो से, सो हाँ। लेकिन चलो अज्यूम करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ अस हम डे टाइम में या ब्राइटली लिट सिचुएशन में ही सेल्फीज लेते हैं, और अगर वो सच है तो S23 अल्ट्रा इज द बेस्ट फॉर सेल्फीज। चलिए अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। और जब मैंने ये सैंपल्स देखे तो अगेन क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना S23 अल्ट्रा मुझे बेटर लगा। उसका रीज़न ये है कि एक तो कलर थोड़े ज़्यादा पॉप करता है, और इसकी ना डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर लगी मेरे को बाकी फ़ोन के कंपैरिजन से। शेडोज़ में इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिटेन करता है, जैसे आप पेड़ों में अगर देखें तो आईफोन शेडोज़ को क्रश कर दे रहा है, काफ़ी ब्लैक कर दे रहा है, लेकिन यही अगर आप अल्ट्रा में देखें तो शेडोज़ में वो डिटेल रहती है। तो अल्ट्रा वाइड में भी सैमसंग ही जीतता है। और आखिर में बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की एंड कौन सा फोन सबसे अच्छा करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, देखो तीनों फोन 4K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हैं अप टू 60 FPS, लेकिन S23 अल्ट्रा 8K रेजोल्यूशन में भी शूट कर सकता है अप टू 30 FPS। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि S23 अल्ट्रा बेस्ट वीडियोस लेता है। देखो, हिस्टोरिकली हमें ये बात पता है कि आईफोन सबसे अच्छी वीडियोस लेता है, और आज भी ये बात बिल्कुल ट्रू है। चाहे वो कलर एक्यूरेसी की बात हो, स्टेबिलिटी की बात हो, डिटेल्स एंड शार्पनिंग की बात हो, हाइलाइट्स, एक्सपोजर, शेडोज, इन सब के मामले में आईफोन काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है। और जैसे मैंने कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके कलर्स मोस्टली सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। पर हाँ, मेरे को मौका नहीं मिला ह्यूमन फेसेस को शूट करने का, मैं ये सब अकेले कर रहा था, लेकिन ह्यूमन फेसेस की जब बात आती है तो भी आईफोन काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू S23 अल्ट्रा एंड पिक्सल 8 प्रो। लो लाइट में हाउएवर मेरे को S23 अल्ट्रा स्लाइटली बेटर लगा। आईफोन में ना थोड़ी ब्रीदिंग हो रही थी, फोकस शेक हो रहा था, S23 अल्ट्रा में वो नहीं हो रहा था।
बट गाइस जो भी कहो पिक्सल 8 प्रो वीडियोस के मामले में सच में काफी बुरा है। मतलब जितनी अच्छी वो फोटोज लेता है ना उतनी ही बुरी वो वीडियोस लेता है। तो वीडियोस के मामले में iPhone 15 प्रो हैंड्स डाउन डेफिनेटली द बेस्ट। अब देखो गाइस ये ना स्टैंडर्ड चीजें थी जो मेजॉरिटी यूजर्स यूज करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस काफी हाई है, लेकिन ऐसी बहुत चीजें हैं, फीचर्स हैं जो इन फोन्स में हैं जो कुछ कुछ यूजर्स के काफी काम के आती हैं, जैसे कि Pixel 8 Pro के क्रेजी AI फीचर्स या S23 Ultra का 200 मेगापिक्सल मोड। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जिनको अब हम देखेंगे एंड स्टार्ट करते हैं पीक रेजोल्यूशन जो ये तीनों फोन्स शूट कर सकते हैं। तो गाइस iPhone 48 मेगापिक्सल तक की फोटोज ले सकता है, Pixel अप टू 50 मेगापिक्सल तक की फोटो ले सकता है और S23 Ultra 200 मेगापिक्सल तक की ले सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप इनके पीक रेजोल्यूशन मोड पे शूट करते हैं तो बहुत हाई क्वालिटी एंड हाई रेजोल्यूशन पे शूट होती हैं। तो जब आप जूम इन करेंगे इन फोटोज पे आप देखेंगे S23 Ultra सबसे ज्यादा क्वालिटी एंड डिटेल रिटेन करता है, स्पेशली ये जो एरियाज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप देख पाएंगे कि कितना फर्क है। और होगा भी ना, 200 मेगापिक्सल है S23 Ultra पे। और अगर आप इसमें भी जूम इन करेंगे तो iPhone में आप देखो काफी पिक्सलेट हो रहा है, कलर्स बेटर होंगे लेकिन पिक्सलेट हो रहा है टू ट्राई टेक्स्ट, वेयर एज S23 Ultra में स्लाइटली मोर विजिबल है। अब ऐसे ही प्रो फोटो एंड प्रो वीडियो मोड है पिक्सल में और S23 Ultra में जो iPhone में नहीं है। इससे आपको फुल कंट्रोल मिलता है ओवर ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, फोकस और इवन ऑडियो सोर्स, और आप वीडियो को एग्जैक्टली वैसा ही ले सकते हैं जैसा आप चाहते हैं विदाउट एनी इंटरनल प्रोसेसिंग या कोई भी AI एल्गोरिथम जो फोन खुद से लगाता है। अब जैसे आईफोन में प्रो वीडियो या प्रो फोटो मोड तो नहीं है लेकिन प्रो रेज मोड है जिससे आप काफी डिटेल में कैप्चर कर सकते हैं वीडियो को और लॉग में भी कर सकते हैं जिसको आप कलर ग्रेड करके काफी सिनेमैटिक लुक दे पाएंगे। पिक्सल में आपको क्रेजी AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को इरेज कर सकते हैं, चीजों को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं फोटो में और वीडियो से नॉइज रिमूव कर पाएंगे। तो हाँ, पिक्सल 8 प्रो में आपको कुछ इस तरह के AI स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं जो आपको S23 Ultra या iPhone 15 प्रो में नहीं मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज, इन तीनों कैमरास के फ्रंट फेसिंग वीडियो क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं। Alright, so guys, right now I'm shooting using the front facing camera of the Galaxy S23. I've got quite a few birds stepping around, a bit of a water body right here in front of me, and I do have the sun, the evening sun, striking a pretty good golden light at me. And yeah, this is what it sounds like, this is what it looks like on the Galaxy S23 Ultra. Alright, and this guys is from the iPhone 15 Pro front facing camera. Again, it can shoot at 4K up to 60 FPS. The audio, I do think the S23 Ultra, usually Samsung does like a better job, but again, we look at this once I do put this on the PC. But hey, there is a trick over here. So the iPhone 15 Pro can shoot in log, which actually records more dynamic range data, which you can then grade, and hopefully you know how to color correct really well and get really nice, smooth, professional looking videos, which again you can do on the iPhone 15 Pro natively. Alright, and finally guys, this is from the Pixel 8 Pro. Again, can record all the way up to 4K 60 FPS, and yeah, this is what it sounds like, this is what it looks like. There's no log over here. You can of course zoom in a bit while shooting, which you can do with Ultra as well. But yeah, this is what it is. अब सॉरी, ये सारा इंग्लिश में मैंने शूट किया था, बट अगर देखा जाए सिर्फ वीडियो क्वालिटी एंड साउंड के परस्पेक्टिव से तो S23 Ultra मेरे को नेटिवली सबसे अच्छा लगा। Pixel 8 Pro एंड iPhone 15 Pro थोड़ा मेरे स्किन को ना रेड कर रहा था, मतलब थोड़ा मजेंटा टोन ऐड कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा ऑफ लगा। तो फ्रंट फेसिंग वीडियो क्वालिटी आई थिंक S23 Ultra की ही सबसे अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ की जो मैंने बात नहीं की है वो है जूम कैपेबिलिटी की, और वो इसीलिए क्योंकि ना आप डायरेक्टली इनको कंपेयर कर नहीं सकते। तो iPhone और S23 Ultra दोनों में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, S23 Ultra में एडिशनली 10x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, और Pixel में आपको अप टू 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है। लेकिन मैंने फिर भी iPhone 15 Pro एंड S23 Ultra के 3x ऑप्टिकल जूम, जो सेम जूम लेवल से, उनको कंपेयर कर दिया, एंड मेरे को थोड़ा सा ना iPhone 15 Pro बेटर लगा। कलर्स बेटर है, क्लैरिटी भी थोड़ी ज़्यादा लगी, S23 Ultra में थोड़ा टोन कोल्ड लगा मेरे को, बट खैर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके लिए जूम इंपॉर्टेंट है तो S23 Ultra में आपको ज्यादा जूम ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो गाइस, ओवरऑल ये मेरे थॉट्स हैं कि अगर आपको आउटडोर शूट या ब्राइटली लिट सिचुएशंस में फोटोज लेने की आदत है या वही आपका यूज केस ज्यादा है तो Pixel 8 Pro इज डेफिनेटली द वन फॉर यू। लेकिन अगर आपको ओवरऑल कैमरा चाहिए एंड बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसके लिए iPhone 15 Pro या Pro Max।
S23 Ultra ना decent mix है photos and videos का, लेकिन वो और भी चीजें देता है जैसे 200 megapixel mode, 8K video recording और कुछ special features भी हैं जैसे director's view या pro photo या pro video, तो ना काफी feature rich है। और देखो guys, अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो तीनों स्मार्टफोन कैमरास में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है नहीं। मतलब डे टू डे केस में ना आप बता भी नहीं पाएंगे कि क्या डिफरेंस है, इतना कम है, एक्सेप्ट फॉर वीडियो मोड जो पिक्सल 8 प्रो का सच्ची में काफी बुरा है। तो गाइस, घूम फिर के ना बात आपकी प्रेफरेंस की आ जाती है, आपके यूज केसेस की आ जाती है कि आप उन स्मार्टफोन कैमरास को ज्यादातर किस यूज केस में यूज करेंगे। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, मेजोरिटी लोग आउटडोर या ब्राइटली लिट सिचुएशंस में या इंडोर्स ही फोटोज ज्यादा लेते हैं। और अगर वही इम्पोर्टेंट है तो हमें पता है कि पिक्सल 8 प्रो इन तीनों में बाकी दोनों फोन से बेटर है और इनफैक्ट सस्ता भी है दोनों फोन से। तो ऐसा नहीं है कि सबसे महंगा फोन ही सबसे अच्छे फोटोज लेता है, इनफैक्ट कम पैसों में वो बेटर फोटोज ले पाता है उन तीन सिचुएशंस में। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप इवेल्युएट कीजिए कि आपके लिए कौन से यूज केसेस ज्यादा मैटर करते हैं और उस हिसाब से आप स्मार्टफोन कैमरा अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। एनीवे गाइस, इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए, डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन मार्क करके ऑल को जरूर मार्क कर दीजिएगा। मिलते हैं।